फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में सी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सी फूड समुद्र किनारे और मुंबई के सभी किनारे तट पर पाया जाता है, जिसे कि हम मराठी में बोंबिल कहते हैं मच्छी, और हिंदी में भी इसे वहाँ पर बोंबिल नाम से ही जाना जाता है। तो ये समुद्र में बहुत मात्रा में पाई जाती है। इसे ताजी ताजी फ्रेश फिश के रूप में भी खाया जाता है, लेकिन इसे सुखाकर भी इसकी रेसिपी तैयार की जाती है। तो फ्रेंड, इसकी रेसिपी बनाने के पहले सबसे पहले जो बोंबिल होती है उसे अच्छी तरह से धोना पड़ता है। उसके ऊपर कुछ काटे हो उसको निकाल लें और इसे इस तरह से टुकड़ों में काट कर और इसे सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं या थोड़ी देर सूखा देते हैं। उसके बाद में इसे अच्छी तरह से कुरकुरा सा तेल में फ्राई कर लेना है। इसे जितना कुरकुरा फ्राई करते हैं उतनी ही रेसिपी बढ़िया टेस्टी कुरकुरी लगती है। तो ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट होती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी ये रेसिपी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड, इंदौरी किरण किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस रेसिपी के साथ में आपको पूरा मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अभी ये मिर्च, ये जो हमारी बोंबिल फिश है, ये फ्राई होकर तैयार हो चुकी है, और इसे देखिए इस तरह से लाल कुरकुरा तैयार कर लेना है। तो अभी मैं इसे क्या करूँगी, निकाल लूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने इस बोंबिल फ्राई को निकाल लेने वाली हूँ यहाँ पर। और इस रेसिपी को जब तैयार करके रखते हैं ना फ्रेंड, तो इसे 3 से 4 दिनों तक चटनी की तरह आसानी से खाया जा सकता है। तो ये बोंबिल ठीसा की रेसिपी बहुत ही फेमस है और बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है महाराष्ट्र की। अभी हमने कुछ करी पत्ते की पत्तियाँ ली है 8 से 10, जिसे भी हम कुरकुरा सा फ्राई कर लेने वाले हैं। इसे तेल में डाल दिया है और इसे भी अभी मैं फ्राई करने के बाद में साइड में लगा लूँगी। तो अभी इसे साइड में लगा लिया है। अब मुझे यहाँ पर एक अन्य इंग्रेडिएंट है, लाल मिर्च सूखी हुई। वो सूखी हुई लाल मिर्च को अच्छे से भून लेना है। तो वो सूखी हुई लाल मिर्च बहुत झटपट ही भुनी जाती है। तो ये झटपट में भून के और इसे भी मैं साइड में लगा लूँगी। तो फ्रेंड, ये मिर्चियाँ भी भुनी जा चुकी है, और इन मिर्चियों का फ्लेवर जो होता है, स्वाद होता है, जो इस चटनी में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। जो गांव कड़ची रेसिपी बोलते हैं ना, जैसे गांव तरफ की रेसिपी, तो उन रेसिपीज में लाल मिर्च का उपयोग बिल्कुल किया ही जाता है, जिससे क्या होता है, एक गांवपन की टच होती है। अभी मैंने लहसुन की 10 से 12 कलियां यहां पर डाल दी है, और इसे भी अच्छी तरह से मैं तेल में भून लेने वाली हूँ। तो अभी हमको लहसुन का फ्लेवर, तो सभी हम इससे परिचित होते हैं, किसी भी रेसिपी को बहुत ही फ्लेवरफुल स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन का उपयोग हम ज़्यादा करके करते ही हैं। अभी मैंने यहाँ पर हरी मिर्चियाँ ले ली है, हरी मिर्ची भी मैंने 8 से 10 के करीब ले रखी है। इसे भी मुझे अच्छे से भून लेना है, तो इन मिर्चियों को भी मैं अच्छे से भून लेने वाली हूँ। और ये अच्छे से जब चटकने लगे या अच्छे से भुनी हुई दिखने लगे, तब इसे भी हम साइड में लगा लेंगे, और उसके बाद में हमको आगे की रेसिपी कंटिन्यू करना है। तो अभी ये मिर्चियाँ भी अच्छे से भुनी जा चुकी है, जिसे मैं साइड में करूँगी। और ये रेसिपी अगर हम तवे में करते हैं, तो एक जो तवे में बनी हुई रेसिपी का फ्लेवर अलग से होता है, वो फ्लेवर यहाँ पर आता है। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा 2 मुट्ठी के करीब कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, तो इसे भी मैं हल्का सा भून लूँगी। क्या होता है फ्रेंड, जब रेसिपी को हमको 3 से 4 दिनों के लिए रखना होता है, तो जितना ड्राई हो चीज़ें, जिसमें पानी का कंटेंट कम से कम मात्रा हो, तो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित और अच्छी रखी जा सकती है। अभी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर जीरा लिया है, तो जीरे को भी हल्का सा भून लेना है हमें। तो ये जीरे को भी मैं भून लूँगी। अभी मुझे क्या करना है कि ये सारी चीज़ें हमारी भून के तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर गैस को ऑफ कर देने वाली हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर अच्छे से अरेंज है, और अब ये हमारी बोंबिल भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हमें इसका ठेचा बनाना है। तो ठेचा बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो आप वीडियो देखते रहे तो आपको मालूम पड़ेगा आगे क्या करने वाले हैं। अब यह जो लहसुन लिया हुआ है, ये भी भुना जा चुका होने के बाद में, अब इसे हमको मिक्सर पॉट में सारी चीज़ें डाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पर जो बोंबिल हमने फ्राई की हुई थी, उसको यहाँ पर मिक्सर पॉट में ले लिया है। अभी गांव की तरफ जो बनाते हैं ना, और बाकी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर डाल ली है। तो इसे जो सिलबट्टा होता है या वाड़वंट होता है, उसके ऊपर पीस के बनाया जाता है, जो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो देखिए, आप इसका कलर देख पा रहे होंगे, कितना सुंदर कलर दिख रहा है। अभी हमने इसी अच्छे से ये
दरदरा सा कर लिया है। आप चाहे तो इससे बारीक भी कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा दरदरापन होना खाने में तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पर स्वादानुसार नमक को डाल दिया है और आधा टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो ये इससे स्वाद और फ्लेवर दोनों ही बढ़ता है इससे। तो अभी इसे हमें कुरकुरा सा अच्छा सा फ्राई करना है, तो इसके लिए हमें 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। अभी देखिए तवे पे इस तरह की प्रोसेस करते हैं ना, तो बहुत अच्छे सा कुरकुरापन आ जाता है। पुराने समय में भी चूल्हे पर जो रेसिपीज़ बनाई जाती थी वो लोहे की कढ़ाई और तवे पे बनाई जाती थी। तो आज हम वो सब खोते जा रहे हैं, पुरानी परंपराएं हमारी। गैस ऑफ कर दूंगी, कर दी है मैंने गैस ऑफ। और यहाँ पर नींबू निचोड़ देना, अगर नींबू नहीं हो घर पे तो आप आमचूर पाउडर होता है ना जो सूखा, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टापन हो तो ये ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहती है और खाने में भी टेस्टी होती है। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं आप ये रेसिपी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, जिस तरह से ये दिखने में सुंदर दिखाई दे रही है उसी तरह से खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे भाकरी पराठे या रोटी के साथ में खाया जाता है, जो भी आप पसंद करें जिस भी साथ में इसे खा सकते हैं। इसे तोंडी लगाने के लिए यानी जो एक हदा अचार वगैरह जैसी चटनी जैसी कोई चीज़ अगर हम सब्जी के साथ में उसको भी खाते जाते हैं, तो उस तरह की ये रेसिपी है। आपको ये वीडियो निश्चित ही पसंद आएगा, आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये ठेसा रेसिपी कैसे लगी आप ये कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताएं। अच्छी लगी तो वैसा लिखें, और नहीं अच्छी लगी तो पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखने ये देखिए आसानी से पूरा चम्मच इसमें घुस गया है, और ये देखिए अंदर से भी देख पाएंगे और बाहर से भी देख पाएंगे, बहुत ही टेस्टी और फ्लफी बना है। ये देखिए आसानी से दब रहा है, तो आप इसे चटकारे ले लेकर मज़ा ले लेकर खाएं इसे, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मैं खा के देखती हूँ कैसे लग रहे हैं। वाओ, सो मच टेस्टी। तो फ्रेंड ये बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली झटपट रेसिपी है, आप देख पा रहे हैं कितनी स्वादिष्ट, कितनी टेस्टी और एकदम अलग तरह की है। और एक ही बर्तन में हमने पूरी रेसिपी को कंप्लीट किया है, साथ ही हमने बहुत कम तेल का यूज़ किया है, बहुत